अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि परामेट्रिक्स व्यू यानी कि ई व्यूज क्या होता है और इसमें हम फाइल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अपना डाटा जो है हम अपना फाइल को ई व्यूज के अंदर किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी आउटलाइन बनाई है, वो मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें ये लिखा होगा कि आउटलाइन, ये ई व्यूज का इंट्रोडक्शन मैंने बताया पहले। ई व्यूज स्टैंड फॉर इकोनोमेट्रिक व्यूज एंड इट इज यूज फॉर स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन। मतलब कि हम इसमें एस्टिमेशन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस यानी कि हम कर सकते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो और ऑटो कोरिलेशन है, एक्टोस्टैटिस्टिसिटी है, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम इसमें हर चीज के रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट एंड गेट रिजल्ट्स, बट रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन ओवर योर एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट की, वो हमारी एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पर बेस करती है कि हमने उसको किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें हम कमांड्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके हम जो चीज हमें सुना देखने एस्टिमेशन करना हो, फोरकास्टिंग करना हो, हम उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहले रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने अपना जो हमारी डाटा की फाइल होगी वो हमने एक्सेल फॉर्मेट से में किस तरह मेंटेन करनी है और फिर हमने उसको किस तरह इम्पोर्ट करना है। तो मैंने ये लिखा है, ये एनालिसिस सिर्फ टाइम सीरीज के लिए है फिलहाल। सबसे पहले हमने बनाना है इस तरह कॉलम बनाने हैं, ना मतलब के ना एक्सेल फाइल में सबसे पहले हमने लिखना है ईयर, फिर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फ्लेशन जिस तरह हो गया मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल शो किया उसको, मनी सप्लाई मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई में तो मेन वेरिएबल है, जबकि मैंने एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, या जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसको कंट्रोल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 1985 से 2016 तक, मतलब कि आप लोगों ने जो है ना डाटा इंटर करना है 1985 से 2016 तक। डाटा के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, जिस तरह सेकेंडरी डाटा सोर्स है उसके लिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, हम यहाँ से या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, हम वहाँ से अपना डाटा इजीली लाया हासिल कर सकते हैं ई व्यूज के अंदर एस्टिमेशन के लिए। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज के लिए है। आप अगर पैनल डाटा लेना चाहते हैं तो उसका अलग अलग तरह से फॉर्मेट होगा और टाइम सीरीज का फॉर्मेट इस तरह से आपने फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि जो ना हमारा मेन वेरिएबल होगा, जैसे कि मनी सप्लाई है, यहाँ पर जो हमारा मेन वेरिएबल होगा वो सिग्निफिकेंट हो और थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट हो, ये हमारी लाजमी शराइत है किसी भी यानी कि रिसर्च में कि वो सिग्निफिकेंट होना लाजमी है और थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट भी हो। इन एनी केस अगर हमारा मेन वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट है लेकिन वो थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर और वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये मैंने फिलहाल आप लोगों को बताया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ना मैंने एक्सेल की फाइल किस तरह अरेंज की है। मैंने एक फाइल बनाई दी है एक्सेल में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ मैंने एक मैंने ईयर का बनाया कॉलम, 1985-87 मैंने शुरू किया और 2017 तक जा रही है, और ये मैंने इन्फ्लेशन का डाटा लिया है, सेकेंडरी डाटा सोर्स से ये, तो मैंने ये ना WDI से लिया, मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से लिया है इसको, और ये GDP का सोर्स है, GDP है, ये एक्सचेंज रेट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे सारे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर मैंने लिए हैं। तो मैंने देखना है कि मैंने इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के डाटा को मैं
किस तरह से ईवीयूज के अंदर ना इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो हम ईवीयूज की फाइल खोलेंगे। ये मैंने ईवीयूज मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको हम करेंगे क्रिएट न्यू फाइल पे, न्यू वर्क फाइल पे। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे चीज बनने वाली है कि यहाँ पे हम मतलब तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं वर्क फाइल स्ट्रक्चर में, एक अनडेटेड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, डेटेड और रेगुलर फ्रिक्वेंसी और बैलेंस पैनल, जो हमारा डाटा टाइम सीरीज होता है हमें, तो हमने इसमें डेटेड और रेगुलर फ्रिक्वेंसी लेंगे। अगर हमारा डाटा पैनल में होगा तो हम उसको बैलेंस पैनल लेंगे। अगर हमारा डाटा क्रॉस सेक्शनल है तो हम उसमें अनस्ट्रक्चर्ड और अनडेटेड लेंगे। लेकिन अब मैंने इसमें टाइम सीरीज की मैंने करनी है एस्टिमेशन, और मैंने अपना डाटा मैंने अरेंज किया हुआ टाइम सीरीज के लिहाज से, तो मैं उसको डेटेड और रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे करूंगा। ये मैंने इसको किया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हमारा डाटा एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, डेटा या फिर वीकली है या फिर 10 डेज है। मेरा डाटा एनुअल है तो मैं इसको एनुअल कर दूँ। अब यहाँ पर मैंने बताया कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू हो रहा है 1987 से शुरू हो रहा है और 2017 पे एंड हो रहा है। लिख दिया। और अब ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ दें। ये अगर आपने कोई अपने नाम देना है अपने रिसर्च के लिहाज से कोई नाम देना तो आप दे सकते हैं उसको, लेकिन मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा क्योंकि ई वी यूज इसको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नाम दे देगा। तो देखें ये वर्क फाइल मेरे कितना क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर डाटा नहीं आया मेरे वेबना वेरिएबल्स का। ये देखें बोलेंगे ये मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यूज जीरो जीरो है, ये जीरो इसलिए है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है अभी। और ये मेरे रेसिडुअल, ये भी यानी कि कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल। अब हमने डाटा इंपोर्ट किस तरह करना है, ये हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट, इसको हम करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। अब मेरा जो डाटा है वो डेस्कटॉप पे ठहरा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप से अपना डाटा उठाता हूँ। ये है, मैं इसको ओपन किया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो तो हमारी शीट को बता रहा है कि आपकी शीट के मतलब के जो है शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 2 मेरा डाटा है वो मिला है, इस तरह बाय डिफॉल्ट ही आएगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला जो है ये सिर्फ नेम का ही जाएगा, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ईयर जो है वो ईयर कह रहा है कि ईयर क्या है, नंबर है, डेट है या फिर नेम है, कैरेक्टर है, तो ये डेट है ईयर। अगर हम इन पे सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर है, जीडीपी भी नंबर है, एक्सचेंज रेट भी नंबर है, ठीक है। इसको मैं अब नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा डाटा सीरीज का आ गया है, ये नाइन मतलब कि मेरा जो डाटा है वो ईयरली है, 1987, 1988, 1989 ईयरली, मतलब एनुअल डाटा है मेरे पास। और यहाँ पे वो बता रहा है कि डेटी तो है स्पेसिफाई पर डेट सीरीज, मतलब कि टाइम सीरीज के हवाले से है ये। और यहाँ पे मैं आपसे करता हूँ फिनिश। अब यहाँ पे ये ऑप्शन बनना है कि हमने लिंक इम्पोर्ट सीरीज एंड अल्फा ऑब्जेक्ट टू एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि अगर हम इसको यस करते हैं तो हम एक्सेल की फाइल में जो भी चेंज करेंगे ई व्यूज में वो ऑटोमेटिकली यानी कि वो चेंजेस हो जाएंगी। मतलब अगर हम अपना वेरिएबल्स का डाटा का जो ड्यूरेशन है वो कम करते हैं 1987 से जो है 2015 करते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो 2015 ही आ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको नो करते हैं तो हम एक्सेल फाइल में कोई भी चेंज करें ई व्यूज की फाइल में कोई चेंज नहीं होगी, तो हम इसको नो करते हैं ताकि हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब ये देखें, अब ये मेरे पास मेरे वेरिएबल्स आ गए हैं जो मैंने यानी कि वर्क फाइल को वो किया है, मेरे सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी सहूलत के लिए एक काम करना है कि जो ये वेरिएबल्स के नाम है इनको रीनेम कर दें, जिस तरह इन्फ्लेशन उसमें पूरा लिखा हुआ है, मैंने इसको मैं रीनेम करता हूँ INF के नाम से, ये रीनेम हो गया। ये अब MS
इन बिलियन है, मतलब कि ना बिलियन में है ये वैल्यूज, इसके यूनिट बिलियन है, मैं इसको एम एस बी लिख रहा हूँ। आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने इसको जो भी नाम देना है वो आप लोगों को पता होगा आपने नाम क्या सोच के दिया हुआ है, क्योंकि आपको रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन आपने खुद करनी है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने जो यानी कि अपने वेरिएबल्स को नाम रीनेम किया है वो आपने नाम क्या लिखा है। अगर आपको वो भी आता है तो ये देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है ओरिजिनल नेम एम एस बिलियन, मतलब अगर उसको रीनेम किया भी है तो यहाँ पे वो भी शो हो रहा है एम एस बिलियन, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे सुधारने की बात नहीं है। चले आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे ईव्यूज पर। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि हम कैसे अपने डेटे को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो तक नहीं देखी तो जाके देखें, वो बेसिक वीडियो है, उसी से आपको इस वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। सो गाइस, हमें ये बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पहले जाने के वो होती क्या है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ डाटा इन स्टडी। दे प्रोवाइड सिंपल समरीज अबाउट द सैंपल एंड द मेजर्स टुगेदर विद सिंपल graphic analysis, they form the basic of virtually every quantitative analysis of data. They are variety of descriptive statistics, numbers such as mean, median, mode, standard deviation, etc. Now guys, we see how to find descriptive statistics practically. Now I open my eview profile. I also import my data on eViews. So, for descriptive statistics, you must select at least 3 or 4 variables. So, I select first inflation, GDP, real effective exchange rate, population. You must select all the variables at the same time by pressing the control button on your keyboard and right click. Open, choose the option as group. Now you see my new dialog box on my work file is open. I choose the data from 1985 to 2017. You see that. Now I remember you my variables in inflation, GDP, real effective exchange rate, population, I rename it. I also described in my previous video. So for descriptive statistics, you click on the option view. First option view, click on it and find descriptive statistics and select their sub option common samples. Click on it and see your inflation variable, GDP, real effective exchange rate, population and their mean value, median value, maximum, minimum, standard deviation, skewness, etc. All the variables are found in just simple options. You click on it. Okay, if you save this, your results. So click cross option, name it. I also save by group 1. By name group 2, you have to change it and I click the OK button. So this group 2 is open. Save, I open it so that you saw my result is saved. Now there is another option to find descriptive statistics on eViews.
you first select your variables again, inflation, GDP, VFR exchange rate, or COVID, as you wish. You select your variable as your choice. Click on view button. And then find group statistics. And this sub option descriptive statistics, and this sub option common samples. Click on it. Your selected variable is on your new dialog box that is open on series list name dialog box. Click OK, and then you see your same result as the previous result in group 2 is shown in your results of dialog box. Mean, median, maximum, minimum, standard deviation, skewness of your variable inflation, GDP, real effective change rate, trade as you select in for your descriptive statistics. So you save it. I don't save because I saved it previously. So I click on yes, I delete it. So this is a way to find the descriptive statistics of your data. So okay, this is the first step. Note the steps clearly. Click on quick button, group statistics, descriptive statistics, common sample. Note the steps clearly and understand what I'm trying to say. So in my previous video, something is missing. So I show you what are missing things are. These are missing things. I forget to describe you the basic names of the work file when you open or start the eViews. This is your title bar, as shown in the video. The option like file, edit, object, quick are the main menu. This is your command window. This is your whole are the work area, as you shown. This is your work file name, work file, and this is your status line. So these are the basic name you must understand, you must know when you start your eViews, your thesis work, your research work. So in my next video, I tell you how to find a load transformation, stationarity, unit load test, and furthermore. So keep watching my videos. अगर आपने अभी तक इसको subscribe channel को नहीं किया तो अभी करें, साथ ही साथ bell icon को भी दबाएं ताकि मेरे latest updates आपको मिलते रहें. So guys, thank you. Have a nice day. अस्सलाम वालेकुम. आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो हेल्प बेसिकली लोड ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं अपने मॉडल को हम लोड में चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके क्या बेनिफिट हैं. ये हम लोड ट्रांसफॉर्मेशन अपने वेरिएबल्स को लोड में चेंज क्यों करते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने वेरिएबल्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना है. चलें मैं स्टार्ट करता हूँ. ये मैंने स्टार्ट किया लोड का. ये बात आप याद रखें कि जब हम अपने वेरिएबल्स को लोड में चेंज नहीं करते, यानी कि एक सिंपल मॉडल है हमारे पास, तो हम उसको यूनिट चेंजेस में इंटरप्रेट करते हैं. मतलब कि वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज बाय दिस यूनिट्स या फिर दिस वैल्यू. लेकिन जब हम इसको एक यानी कि लोड ट्रांसफॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह हो जाती है कि 1% इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज बाय दिस परसेंटेज. है कि जब हमारे पास वैल्यूज हैं ना, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो
बड़ी हैं, काफी यानी कि काफी बड़ी हैं, हम यानी कि उसके इंटरप्रिटेशन करने में या फिर उसको एस्टिमेट करने में मुश्किल आएगी, तो हम उसको लोग में चेंज करते हैं ताकि हमारी वैल्यूज की हमारी वैल्यूज थोड़ी यानी स्मॉल हो और हम उसको इजीली एस्टिमेट कर सकें। नंबर थ्री ये आता है कि अगर हमारे पास एक नॉन लाइनर मॉडल है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास, अगर हम लोग में चेंज करते हैं तो हम उसको लाइनर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लाइनर फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो हम उसको इजीली इंटरप्रेट और इजीली एस्टिमेशन कर सकते हैं, रिवेशन उसको रन करके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नॉन लाइनर फॉर्म में इजीली लाइनर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ईवीयूज के, हम ईवीयूज में किस तरह से लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने वेरी बड़े ऊपर, कि हमने न्यू वर्क फाइल क्रिएट करनी है। नंबर टू पे ये आ जाता है कि हमने अपने वर्क फाइल में डाटा इंपोर्ट करना है वेरिएबल्स का। अगर हम इंपोर्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जनरेट का ऑप्शन होगा GENR के नाम से, तो वो प्रेस करना है, हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जब होगा तो हमने उसको इस तरह से मतलब अपने वेरिएबल्स को लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि मैं CD को लोग फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो मैं लिखूंगा LNGP मैंने इसलिए लिखा है कि मेरा न्यू वेरिएबल शो होगा। हम इसके ऊपर कुछ और लिख सकते हैं, हम LNGDP भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मर्जी आपकी, लेकिन मैंने LNGP लिखा है न्यू वेरिएबल, मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया है, उसके बाद LOG मतलब लोग, मैंने अपनी ब्रैकेट मैंने ओपन की, उसके बाद मैंने GD की जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल या शो हो रहा है वहां पे, मैंने GDP यानी कि लिखा है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, मैंने इंटरप्रेस किया। नंबर फाइव पे मैं ये आपके ऊपर एक आप जब इंटरप्रेस कर लेंगे तो आपको LNGP के नाम से नया वेरिएबल शो होगा, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक वर्क फाइल है, ठीक है, मैंने अपने GDP का जो है वेरिएबल क्रिएट करना है लोग फॉर्म के अंदर, जिसमें पर GENR के नाम से ऑप्शन है, ये मेरा कर्सर नहीं पे है, तो मैंने प्रेस किया, अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब मैंने इसमें किस तरह लिखना है, अब मैं कहता हूँ कि मैं न्यू वेरिएबल LNGP के नाम से बनाऊँ, तो मैं LNGP प्रेस किया, अब मैं लोग लिखूंगा LOG, ब्रैकेट मैंने ओपन की, अब मैंने अपना जो वेरिएबल मेरा शो हो रहा है यहाँ पे GDP के नाम से शो हो रहा है, ठीक है, तो ये GDP ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करूंगा तो मेरा न्यू वेरिएबल ये क्रिएट हो गया LNGP के नाम से, ये मैंने ओपन किया और ये LNGP के नाम से मेरा वेरिएबल शो हो गया। हमने अपने जब हमने इसको और तो उसमें जो चेंजेस आती हैं लोग की वजह से वो किस तरह, एक सिंपल मॉडल है मेरे पास, इसमें मैंने लोग में चेंज नहीं किया हुआ, ठीक है, और ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 152, 11, 5, 4, 8 ये मेरे पास बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं, beta 1, beta 2, beta 3 की। अब मैंने सेविंग को इंटरप्रेट करना है कि हमें सेविंग क्या बता रहा है इस मॉडल के अंदर, हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, बाय कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को और FDI को कॉन्स्टेंट करना है क्योंकि हम सेविंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह लिखेंगे 1 यूनिट इंक्रीज इन सेविंग GDP इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बीटा कोएफिशिएंट, मतलब कि 150 यूनिट जो है GDP इंक्रीज हो जाएगी। अब 150 यूनिट्स क्या है, ये 150 यूनिट्स हैं क्या बेसिकली, हमें ये कोई सेंस नहीं बता रहे, हम इसको लोग में चेंज करते हैं वेरिएबल को तो हमें वो एक सेंसिबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो कि हम ये मैंने इसमें किया हुआ है, मैंने अपने मॉडल को लोग में चेंज किया हुआ है। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को इंटरप्रेट करना है क्योंकि उसका जो साइन है वो नेगेटिव बता रहा है हमें, तो हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अब मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को इंटरप्रेट किया तो मैं सेविंग को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंट एज्यूम करूंगा, ठीक
ठीक है, लेकिन सेविंग एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जीडीपी रिड्यूस, क्योंकि हमारे पास साइन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है 0.32 से पहले, तो ये मैं ये बता रहा है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगी 1%, हमारी जीडीपी कम हो जाएगी 0.32%, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जीडीपी रिड्यूस बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बीटा कोएफिशिएंट बीटा 2, मतलब कि जीडीपी कम हो जाएगी 0.32%। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम एफडीआई को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो उसका साइन पॉजिटिव है, तो हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, 1% इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जीडीपी इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बीटा कोएफिशिएंट 0.78%, और हमने साथ में सेविंग को और अनएम्प्लॉयमेंट को कॉन्स्टेंट एज्यूम करना है। ये इसकी मेन यानी कि मेन कंडीशन है कि हमने जब भी एक वेरिएबल को इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसके बाकी वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे। होप सो कि आपको सबको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमने इसकी इंटरप्रिटेशन जब करनी है तो हमने एक वेरिएबल को चेंज करना है, एक वेरिएबल को वेरी करना है, बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हमें कॉन्स्टेंट एज्यूम करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन, और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट, कि हम कैसे कह सकते हैं जो हमने अपना वेरिएबल जो चूज किए हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने थीसिस के लिए, वो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हम जब अपने रिसर्च के लिए टेक्निक यूज करेंगे, चाहे वो ARDL हो या को इंटीग्रेशन हो जोहेंसन, तो हम उन्हें कैसे जज कर सकते हैं कि जो हमारा जो वेरिएबल है, सपोज के वो इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई है, प्रोडक्शन फंक्शन है, कि वो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो बेसिकली आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इज ए डिटर्मिनेशन बाय एन एनालिस्ट that the result in the data are not explainable by one alone. Statistical hypothesis testing is the method by which the analyst make this determination. This test provide a p-value, which is the probability of observing result as extreme as those in the data, assuming the results are truly due to chance alone. A p-value of 5% or lower is often considered to be statistically significant. So what is hypothesis? A hypothesis can be defined as a tentative yet testable statement which predicts you what expect to find in your empirical data. Null hypothesis and alternate hypothesis. A null hypothesis, H note, is a hypothesis set up to be rejected in order to support an alternate hypothesis label HA. हम basically अपने जो variables हैं उसे judge करते हैं दो वे से, एक p-value और एक t-test. तो p-value हम define करते हैं, अगर p-value greater than 0.05 is the probability that the null hypothesis is true. 1 minus the p-value is the probability that the alternative hypothesis is true. A statistically significant test
रिजल्ट पी लेस देन एंड इक्वल टू 0.05 मीन्स दैट द टेस्ट हाइपोथेसिस इज फॉल्स और शुड बी रिजेक्टेड. A p-value greater than 0.05 means that no effect was observed. Simple words में आपको बता चलूँ कि मैं अगर हम कोई भी variable को वो estimate करते हैं, first पे inflation है, तो अगर उसकी value 0.05 से छोटी आती है तो हम null को reject कर देते हैं, null hypothesis को reject कर देते हैं. अगर 0.05 से बड़ी आती है तो हम कहते हैं कि नो नल रिजेक्ट. हम नल को रिजेक्ट नहीं करते, हम अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सेम केस टी टेस्ट में भी होता है. इसकी वैल्यू होती है 2. अगर 2 से बड़ी आए तो सिग्निफिकेंट होता है, अगर 2 से कम आए तो इनसिग्निफिकेंट होता है. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, फॉल्स कर, हम उसे कहते हैं ये फॉल्स है. अगर 0.05 से बड़ी आती है तो हम कहते हैं कि नो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, सो वी एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए. तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने ईवीयूज के वर्क फाइल पे, जहां मैंने कुछ एस्टिमेशन की रखी हुई है आपके लिए, अपने थीसिस के लिए जो मैं भी आगे कर रहा हूँ इस साल, वो दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखिए मेरे रिजल्ट्स हैं. मैंने मनी सप्लाई बिलियन में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एफडीआई, ये मैंने 4 वेरिएबल अपने रिसर्च के लिए फिलहाल चूज किए हुए. मैंने इस पर टेक्निक लगाई थी एआरडीएल, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन लैग मॉडल. तो जब मैंने एस्टिमेट किया तो मुझे पता लगा कि जो टी टेस्ट है वो -0.512575 और पी वैल्यू 0.6126. इसका मतलब है मेरी जो ये जो वेरिएबल है मनी सप्लाई का, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि जो इसकी पी वैल्यू 5% से बड़ी है और जो टी वैल्यू है वो 2 से बहुत छोटी है, ये इनसिग्निफिकेंट है. जो मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वेरिएबल है ये 2 से बड़ा, जैसे आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, और ये 5% से छोटा है, 0.04340 से आप देख सकते हैं सामने. ये मेरा वेरिएबल है, ये सिग्निफिकेंट है. अगर मैं बात करूं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, तो ये मेरा वेरिएबल भी इनसिग्निफिकेंट है, और एफडीए का जो वेरिएबल है ये मेरा सिग्निफिकेंट होता है. ये मैंने कैसे जाना? अपनी पी वैल्यू से और टी स्टैटिस्टिक से, पी से वैल्यू से, प्रोबेबिलिटी वैल्यू से और टी स्टैटिस्टिक से. अगर आपका फर्ज करें वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं होता, जैसे मेरा ये मनी सप्लाई बिलियन में है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये मेरा फर्ज करें मेन वेरिएबल है, तो इसके लिए आप 3 काम मजीद कर सकते हैं. वो कौन से ऐसे काम है? नंबर 1 पे आप टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं. कैसे? जैसे मैंने 1985 से 2017 तक डाटा में लिया हुआ है, आप 2016 तक कर सकते हैं, या एक साल आप इंक्रीज कर दें 2018 तक कर दें, इससे भी फर्क पड़ता है. अच्छा, अब नंबर 2 कौन सा है? वो है कि आप यूनिट ऑफ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. कैसे? जैसे मैंने बिलियन में मनी सप्लाई को लिया हुआ है, अगर आप मनी सप्लाई को परसेंटेज में लेकर चेक कर लें तो इससे भी आपके रिजल्ट्स में फर्क पड़ता है, आपके जो वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट होने में उसको हेल्पफुल साबित होता है. ये नंबर 2-3 का ये वाला भी है. उसके अलावा जो एक मेथड और है वो है कि आप क्राइटेरियन चेंज करें. वो कैसे करते हैं? फर्ज करें आपने रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं, आपको लग रहा है कि आपको जो मेन वेरिएबल है मनी सप्लाई वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा. वैसे देखा कहते हैं कि आपका जो कोई भी टॉपिक है, फर्ज करें आपने अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आपका अगर मेन वेरिएबल अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो आप कैसे रिसर्च कर पाएंगे? तो इसीलिए आप क्राइटेरियन चेंज भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? वो कौन कौन से क्राइटेरियन है? ये देखिए, ये मेरे जो सिलेक्ट किए हुए
रिजल्ट्स वेरिएबल्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन में जाके ये जो क्राइटेरियन के नाम है कुछ, ये अल्केक इन्फो क्राइटेरियन है, शुकवास क्राइटेरियन है, हनान है, जो बेसिकली दो यूज होते हैं रिसर्च में, एक अल्केक एआईसी वाला और एससी वाला, ये बहुत अहम है, ये वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं और इसे प्रेफर्ड भी किया जाता है इन्हें यूज करने के लिए। तो आप इन्हें यूज करके अपने रिजल्ट को सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। सो होप सो गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ उस पर, यूनिट टू टेस्ट पर, स्टेशन 80 पर भी, क्योंकि ये रिसर्च की बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने एस्टिमेशन के लिए, अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आज, मुझे आप कमेंट करके बताएं जरूर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। होप सो गाइस आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन, और आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही अहम है रिसर्च के लिहाज से। जैसे कि आपने टाइटल वीडियो का देखा पढ़ा, स्टेशनरी इन टाइम सीरीज डेटा, ये रिसर्चर्स के लिए जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाला है। इसे काइंडली एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मेरी बताई हुई इम्पोर्टेंट बात को आप अंडरस्टैंड कर सके और नोट कर सके। आपको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं स्टेशनरिटी, तो इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि आपका कोई भी वेरिएबल है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, उसके जब मीन और वेरियंस कॉन्स्टेंट हो जाते हैं तो उसे हम स्टेशनरिटी बोलते हैं। इसे इस तरह डिफाइन हम करेंगे प्रॉपर वर्डिंग में। अ कॉमन अजम्पशन इन मेनी टाइम सीरीज टेक्निक्स इज दैट द डेटा आर स्टेशनरी। ओके, अ स्टेशनरी प्रोसेस हैज द प्रॉपर्टी दैट द मीन वेरियंस एंड ऑटोकोरिलेशन स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज ओवर टाइम, द डिफरेंस डेटा विल कंटेन वन लेस पॉइंट देन द ओरिजिनल डेटा। बेसिकली स्टेशनरिटी आपकी सर्च की वो पहली सीढ़ी है, जिसको पार करने के बाद आप जान पाते हैं कि आपका जो वेरिएबल का डेटा है वो किस नोयत का है, उस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई होने वाली है। तो उसे जानने के बाद, टेक्निक के बारे में जानने के बाद, आप इजीली रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग में हम बेसिकली वन टेस्ट जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो है यूनिट रूट टेस्ट, जो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन टेस्ट है ये यूनिट रूट टेस्ट। तो इसमें हम बेसिकली दो क्राइटेरियन यूज करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रिकमेंड भी किए जाते हैं, जो प्रेफर्ड भी किए जाते हैं, वो दो हैं, ऑगमेंटेड डिकी फुलर एंड नंबर टू फिलिप्स पेरेंट टेस्ट। ये दो टेस्ट आपको आपने जो आर्टिकल्स डाउनलोड किए होंगे अपने रिसर्च टॉपिक के लिहाज से, उसमें आपको ये अप्लाई हुए हुए नजर आएंगे, यकीन आपने देखे भी होंगे, ऑगमेंटेड डिकी फुलर एंड फिलिप्स पेरेंट टेस्ट। ये दो क्राइटेरियन मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होने वाले हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं अपने वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल है, तो उसके आउटपुट आपको इस तरह से मिल सकते हैं। बेसिकली चार केस हो सकते हैं, नंबर वन पे आई नोट यानी लेवल पर, आई वन यानी के फर्स्ट डिफरेंस पर, आई टू यानी के सेकंड डिफरेंस पर, या मिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, आप ये बात किस जगह पे नोट कर लें कि हमारा कोई भी वेरिएबल है वो आई टू पर
इनके सेकंड डिफरेंस पर स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल है वो आपका आई टू पर स्टेशनरी तीन नहीं होना चाहिए। बाकी बच के तीन केस आई नोट, आई वन और मिक्स ऑर्डर। तो गाइस मैं आपको एक पिक दिखाता हूं जिसे आप देखने के बाद इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये वीडियो ये रही वो पिक, इसके बेशक आप स्क्रीनशॉट बना ले। ये पहला बॉक्स देखें, ऑल वेरिएबल स्टेशनरी एट लेवल, यानी कि आई नोड पर सारे वेरिएबल स्टेशनरी जब होते हैं तो हम सिंपल रिग्रेशन रन करते हैं। उसके बाद नंबर थ्री पे देखें, ऑल वेरिएबल्स स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस, यानी कि आई वन पर, तो हम को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अगर आपका मिक्स ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट करें आपने एक टॉपिक चूज किया अनएम्प्लॉयमेंट, आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं जीडीपी पर, तो आपने फोर वेरिएबल चूज किए, ठीक है, आपके तीन आई वन पर आ रहे हैं, एक आई नोड पर आ रहा है, या आपके तीन आई नोड पर वन जो है वेरिएबल आई वन पर स्टेशनरी हो रहा है, तो आप ए एल डी एल ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल अप्लाई करेंगे। तीन केस वाला बोल रहा हूं मैं, आई नोट, आई वन और मिक्स ऑर्डर, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी ईवीएस की वर्क फाइल पे, जहां दिखाता हूं कि हमने किस तरह यूनिट रूट टेस्ट अपने वेरिएबल पर अप्लाई करना है। आज मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके प्रैक्टिकली हम किस तरह से करते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन और आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट करिए हमारा वेरिएबल है इन्फ्लेशन का, इसे मैंने ओपन किया डबल क्लिक करके, तो ये व्यू की ऑप्शन सामने आ रही है, इस पर क्लिक किया, देखें सामने यूनिट रूट टेस्ट लॉन्ग रन वेरिएंस के नीचे यूनिट रूट टेस्ट, इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये जो ऊपर टेस्ट टाइप दिखा रही है, अभी क्राइटेरियन है ये ऑगमेंटेड डिक्की फुलर फ्लिप बैरल, ये जो बेसिक जो यूज होने वाली इम्पोर्टेंट है वो ऑगमेंटेड है और फ्लिप बैरल टेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये दिखा रहे टेस्ट फॉर यूनिट रूट इन लेवल पर, फर्स्ट पर, सेकंड पर, सेकंड पे नहीं हम देखते ना होने चाहिए हमारे वेरिएबल, हम लेवल पर और फर्स्ट पर, ठीक है। इन्हें हम डिफरेंट केसेस में चेक करते हैं, इंटरसेप्ट पर, ट्रेंड पर, नोन पर, और ये बाकी सारी ऑप्शंस के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो का सिर्फ मकसद आपको स्टेशनरिटी के बारे में बेसिक क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट कुछ तरह से प्रोवाइड करना, ताकि आप स्टेशनरिटी को अच्छी तरह से जान पाएं और अपनी स्टेशनरिटी को कर पाएं, और जो आपने आर्टिकल्स डाउनलोड किए होंगे उसमें स्टेशनरिटी यकीनन उन्होंने की होगी, उसे आप जज कर पाएं कि किस तरह रिसर्चर ने इसे अप्लाई किया हुआ है, इसे यूज किया हुआ है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, यकीनन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो, जो मेरा वीडियो आज का अपलोड किया गया, ये किस तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मोहम्मद हसन 5157 के नाम सर्च करके। और आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके अटेंशन का। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपसे टॉपिक यहाँ पे शेयर करना है वो है यूनिट रूट टेस्ट के बारे में है। तो हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट रूट टेस्ट बेसिकली है क्या? यूनिट रूट टेस्ट है टेस्ट फॉर स्टेशनरिटी इन टाइम सीरीज। हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए हम यूनिट रूट टेस्ट यानी कि यूज करते हैं। अब ये स्टेशनरिटी क्या है?
जब हमारे वेरिएबल्स के मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट होते हैं तो वो उस वक्त हमारा वेरिएबल स्टेशनरी हो जाता है. इफ एनी केस अगर हमारा वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है, मतलब कि उसका मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, तो हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं उनको स्टेशनरी करने के लिए. वो टेस्ट हम यहाँ पे टेस्ट ये हैं: ऑगमेंटेड डिक्यूफोलर टेस्ट, फिलिप्स एंड पेरोन टेस्ट, KPSS टेस्ट. इसके अलावा 3-4 टेस्ट मजीद और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑगमेंटेड डिक्यूफोलर टेस्ट को. अब हम टेक्निक्स को किस तरह चूज करते हैं अपने वेरिएबल की स्टेशनरिटी चेक करने के बाद. अगर हमारे वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी है, मतलब कि I1 पे कोई वेरिएबल स्टेशनरी हुआ ही नहीं है, सारे लेवल पे स्टेशनरी हो रहे हैं, इनका ऑर्डर I0 का है, तो हम सिंपल OLS मॉडल को यूज करते हैं. हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ARDL पे जाएं या जो हैंसन को इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करें. वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरी डिफरेंट हो. अगर हमारे पास एक मिक्स मॉडल बन रहा है, मतलब कि कुछ वेरिएबल I1 पे स्टेशनरी हो रहे हैं और कुछ वेरिएबल I0 पे हो रहे हैं, तो हम ARDL को यूज करते हैं. अगर हमारे वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो रहे हैं, तो हम जो हैंसन को इंटीग्रेशन को यूज करते हैं. यहां पर एक चीज हमें याद रखनी है लाजमी, कि हमारा कोई भी वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पर स्टेशनरी ना हो. आमतौर पे कोई भी वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी नहीं होता. अगर कोई वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है तो वो I1 पे लाजमी स्टेशनरी हो जाता है. अगर कभी इस तरह मतलब हो जाता है कि सेकंड डिफरेंस पे कोई वेरिएबल स्टेशनरी हो रहा है, तो हम उस वेरिएबल को अपने मॉडल में ऐड नहीं करते या हम उसको किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कर रहा है. अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं. यहां पे आपको समझना जरूरी है नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को. नल हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि सीरीज हैज यूनिट रूट, मतलब कि हमारा वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है. यहां पे सीरीज मींस के वेरिएबल, हमारा वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है. हमने नल को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेट को एक्सेप्ट करना है, जबकि हमें अल्टरनेट ये बता रहा है कि हमारा वेरिएबल स्टेशनरी है, मतलब कि नो यूनिटी. अब हमने नल को रिजेक्ट किस तरह करना है, ये थंब रूल के तहत हम डिसाइड करते हैं, जो कि पी वैल्यूज और पी स्टैटिस्टिक्स की यानी कि वैल्यूज पे डिपेंड करता है. अब इसके लिए जो कंडीशन है थंब रूल की, अगर हमारे पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नल को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. नल हमें यह बता रहा है कि वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है और अल्टरनेट हमें यह बता रहा है कि वेरिएबल स्टेशनरी है. ठीक है, अब नल को हम रिजेक्ट करेंगे तो मतलब हमारा वेरिएबल स्टेशनरी हो रहा है. ये हमारी पी वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो कि 0.05 से कम होनी चाहिए. और अब टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू किस तरह यानी कि हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकती है, ये इकोनोमेट्रिक्स में हमने यानी कि पढ़ा है कि जो है ना, हमने नल को हम तब रिजेक्ट करते हैं जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो हमारी टेबल वैल्यू से. यहां पे भी हमने वही चीज यूज करनी है, जो हम यानी कि वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर वो वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है तो हम नल को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. अल्टरनेट हमें यह बता रहा है कि हमारा वेरिएबल जो है स्टेशनरी है, उसमें यूनिट रूट नहीं है. अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं. ये मैंने अपनी वर्क फाइल ओपन की है. यहां मैंने दो वेरिएबल्स को यानी लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, एक एक्सचेंज रेट है और एक है GDP. अब मैं पहले आपको GDP दिखाता हूं कि हमने इसकी स्टेशनरिटी किस तरह चेक करेंगे. हमने वेरिएबल ओपन किया अपना. अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे सब यानी कि जो यहाँ पे टूल बार में है, यहाँ पे नजर आ रहा है क्यू का ऑप्शन सेलेक्ट किया. यहाँ पे एक सब ऑप्शन हमें नजर आएगा यूनिट रूट टेस्ट का, वो हमें सेलेक्ट किया.
अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जो मैं ये बता रहा है कि यहाँ पे मैं टेस्ट टाइप बता रहा है, टेस्ट फॉर यूनिट रूट यानी कि लेवल पे करना है, फर्स्ट डिफरेंस पे करना है, इंक्लूड इन टेस्ट इक्वेशन, इंटरसेप्ट को मैं ऐड करना है या फिर ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट हो या फिर ना ट्रेंड है और ना इंटरसेप्ट है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टेस्ट देखने है ना, यहाँ पे टेस्ट दिखाऊँ आपको, ये ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट है, डिकी फुलर जीएलएस टेस्ट है, फिलिप एंड पेप्रोन टेस्ट है और उसके बाद केपीएसएस टेस्ट है और ये डिफरेंट टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। हमने इसको डिकी फुलर पे रहने देना, ऑगमेंटेड डिकी फुलर पे, एडीएफ टेस्ट पे, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई और टेस्ट यूज करें। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हम कोई और यानी कि टेस्ट यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें ट्रेंड होता है, तो हमने सबसे पहले इसको ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पे चेक करना है और हमने अपने लेवल पे चेक कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल स्टेशनरी है कि नहीं है। यहाँ पे हमने लैग लेंथ को ऑटोमेटिक रहने देना है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज को समझने का। हमारे जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे यानी कि वेरिएबल्स वगैरह जो यानी ऑप्शन शो हो रहे हैं उनको हम चेंज करें, यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक रहने दें। यहाँ पे हमने ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने लेवल पे चेक कर रहे हैं, लेवल पे हमारा अब वेरिएबल स्टेशनरी चेक कर रहे हैं। मैंने प्रेस ओके किया तो हमारे पास ये यानी कि एक पेज ओपन हो गया है वर्क फाइल के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये मैं नल हाइपोथेसिस में ये बता रहा है कि हमारा जीडीपी हैज अ यूनिट रूट, मतलब कि नॉन स्टेशनरी है, हमने अब इसको रिजेक्ट करना है। वो हमने रिजेक्ट हमारी पी वैल्यू पे और हमारी जो है ना कैलकुलेटेड टी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जो ऊपर वैल्यू आ रही है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, ये हमारे पे कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 3.67, ये हमारी एब्सोल्यूट टर्म में हमें लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे पी वैल्यू आ रही है, हमें पी वैल्यू तो ये बता रही है कि हमारा वेरिएबल नॉन, हमारा वेरिएबल स्टेशनरी है लेवल के ऊपर ही, क्योंकि 0.05 से हमारी वैल्यू कम शो कर रही है। पी वैल्यू 0.04 है जो कि 0.05 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेरिएबल स्टेशनरी है लेवल के ऊपर, स्टेशनरी मतलब कि इसका ऑर्डर आई नोट का है। अब हम टी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, टी वैल्यू हमें क्या बता रही है कि -3.67 ना ये 67 है। अगर हम इसको 5% लेवल पे देखें, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं तो ये 3.56 है एब्सोल्यूट टर्म में, जो कि छोटी है हमारी तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू से। जब हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है तो हमने अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमें सिंपल अब ये बता रहा है कि हमारा वेरिएबल स्टेशनरी हो चुका है, इसके जो ऑर्डर है वो आई नोट का है। चलिए एक और हम देखते हैं वेरिएबल को, उस वो वेरिएबल चेक करते हैं। ये यहाँ पे एक्सचेंज रेट का वेरिएबल शो कर रहा हूँ, ये देखें ये वेरिएबल मैंने ओपन किया। अब मैं फिर व्यू में जा रहा हूँ, यूनिट टेस्ट मैंने यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा यानी कि ट्रेंड इंटरसेप्ट करके मैं लेवल पे चेक करता हूँ कि मेरा वेरिएबल स्टेशनरी है कि नहीं है। अब ये देखें ये मुझे इसकी पी वैल्यू 0.98 बता रही है जो कि 0.05 से काफी बड़ी है। हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हमें यानी कि इसके लिए अगर हम इसकी टी वैल्यू देखते हैं, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, तो वो भी छोटी आ रही है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, 0.34 आ रही है जो कि 3.565% पे है, ठीक है। तो अब हमें यानी कि इसको फर्स्ट डिफरेंस पे मूव करना होगा अपने यानी कि वेरिएबल को। मैं फिर अगेन व्यू में गया, मैंने यूनिट टेस्ट में गया और मैंने इसको फर्स्ट डिफरेंस पे देना है, ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पे ही मैंने इसको रहने दिया है, मैंने इसको नहीं छेड़ा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है और इसमें ट्रेंड लाजमी है कि इसमें ट्रेंड होगा, क्योंकि ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रह सकते, कभी अप एंड डाउन इनमें वेरिएशन होती रहती है। तो मैं अब इसको प्रेस ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरा वेरिएबल 0.0006 पे आ गया है जो कि 0.05 से काफी हद तक छोटी वैल्यू है। तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे नल हाइपोथेसिस जो मैं बता रहा है कि वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है, उसमें यूनिट रूट पाया जा रहा है, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकता हूँ और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर हम टी वैल्यू देखते हैं तो वो भी हमारी काफी बड़ी आ रही है,
अगर हमारी देखें हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है वो 5.49 है और हमारी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 3.57 है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 4.30 है और 10% पे है 3.22। तो हमें वो ये बता रहा है कि हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारा ये एक्सचेंज रेट का जो वेरिएबल है वो I1 के ऊपर स्टेशनरी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का मेन यानी कि लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि हमने अपने वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी चेक किस तरह करनी है और अपने हमने टेक्निक किस तरह यूज करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या आप लोगों से क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हमने अपने टेक्निक्स को किस तरह यूज करना है। अब हमने अपने वेरिएबल्स को देखना है कि अपने मॉडल के अंदर कि हमारे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या फिर हमारे 5 हैं या फिर 3 है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने उन सब की स्टेशनरिटी चेक करनी है और उसकी बेस पे हमने अपने टेक्निक्स को यूज करना है। OLS यूज करना है, ARDL यूज करना है, जोहेंसन को इंटीग्रेशन यूज करना है। अगर इस तरह हमारे सारे वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हो जाते हैं, हमें फर्स्ट डिफरेंस मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सिंपल OLS को चूज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास है यानी कि मिक्स मॉडल बनना है जिस तरह मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, मेरा GDP लेवल पे स्टेशनरी हो रहा है जबकि एक्सचेंज रेट मेरा I1 पे स्टेशनरी हो रहा था, तो मैं इस सेंस में अपना ARDL मॉडल को यूज कर सकता हूँ एज एन एस्टिमेशन टेक्निक। और अगर मेरे सारे वेरिएबल I1 पे स्टेशनरी हैं तो हम उसमें जोहेंसन को इंटीग्रेशन की यानी कि टेक्निक यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ARDL टेक्निक के बारे में, कि हम ARDL टेक्निक को किस तरह से यूज करते हैं और हम उसको किस तरह से रिव्यूज में एस्टिमेट कर सकते हैं, और सबसे पहले ये कि हम ARDL टेक्निक को यूज किस वक्त करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है ARDL टेक्निक के मतलब क्या, व्हाई वी यूज ARDL टेक्निक। ARDL टेक्निक को हम यूज कब करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी के ऊपर, और स्टेशनरिटी को चेक करते हैं हम यूनिट रूट टेस्ट के जरिए। यूनिट रूट टेस्ट में बहुत से टेस्ट आ जाते हैं, जैसे ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट है, फिलिप एंड पेरोन टेस्ट है, उसके बाद डिकी फुलर GLS टेस्ट है, और इसके अलावा बाकी भी दो तीन टेस्ट और हैं जो हम यानी कि यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी के लिए। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, जिसे हम ADF टेस्ट कहते हैं। अब हम ARDL टेक्निक को यूज कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी होंगे और कुछ वेरिएबल्स क्रॉस डिफरेंस पे स्टेशनरी होंगे, जो हम अपना मॉडल यूज कर रहे हैं, मतलब कि उनमें कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हो और कुछ क्रॉस डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, तब हम ARDL टेक्निक को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। ARDL के दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन पे आता है ऑटो एग्रेसिव मॉडल। अब ऑटो एग्रेसिव मॉडल क्या है, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी ही लैग वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में शो हो रहा है कि YT डिपेंड कर रहा है YT-1, जो कि इसकी अपनी ही लैग वैल्यू है, तो ऐसे मॉडल को हम ऑटो एग्रेसिव मॉडल कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट ARDL का है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, जो कि हम बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जब डिपेंड कर रहा हो करंट एंड लैग वैल्यूज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कि YT डिपेंड कर रहा है XT पे और XT-1 पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ARDL मॉडल क्या है, अब ARDL मॉडल बेसिकली ये है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल YT डिपेंड कर रहा हो लैग अपनी ही लैग वैल्यूज के ऊपर, और एट द सेम टाइम वो डिपेंड कर रहा हो करंट एंड लैग वैल्यूज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर पी एंड क्यू आपको बता रहे हैं लैग वैल्यूज, पी बता रहे हैं लैग्स ऑफ इंडिपेंडेंट लैग्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और क्यू यहाँ बता रहे हैं आपको लैग्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, के रिव्यूज में हम अपने वेरिएबल्स को सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है अपने वेरिएबल्स को, या फिर उसके बाद हम चेक करेंगे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी, जो कि यूनिट रूट टेस्ट हम यूज करेंगे। जब हम वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी को चेक कर लेंगे तो हम ARDL टेक्निक को चूज उस वक्त करेंगे जब हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी इस तरह से हो, मतलब कि मिक्स्ड मॉडल हो, कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हो और कुछ वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, और यहाँ पे हमने सेकंड डिफरेंस के वाले वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उन वेरिएबल्स को अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, सबसे पहले और शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उससे पहले हमने F-bound टेस्ट अप्रोच जो है वो यूज करनी है, मतलब कि हमने पहले फाइंड करना है कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वो वेरिएबल्स को चूज नहीं करेंगे या उस मॉडल को हम चूज नहीं करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो F-bound टेस्ट की जो वैल्यू है, F-bound टेस्ट मतलब के उसकी वैल्यू के जरिए हमें ये सब पता चलेगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है। F-bound टेस्ट में बेसिकली दो यानी कि बाउंड होते हैं, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। आई नोट लोअर बाउंड है और I-1 अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें नंबर वन कंडीशन ये है कि F-stat इज लेस देन I नोट,
इसका मतलब है कि कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, शॉर्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ। लेकिन अगर f स्टैट लाइक कर रहा हो i नॉट और i वन के दरमियान में, देन हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं। नंबर थ्री पे आता है कि अगर f स्टैट इज ग्रेटर देन i वन, तो हमारे वेरिएबल के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और यही हमें नंबर थ्री कंडीशन को भी फुलफिल करना होता है कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप पाया जाए। अगर हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट रन एग्जिस्ट करता है, तो हम वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। अब नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट के ऊपर। शॉर्ट टर्म रिजल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन। इसके लिए तीन यानी कि कंडीशंस हैं कि ये लेस देन वन होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब कि पी वैल्यू ग्रेटर देन टू हो और पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। और नंबर थ्री तो ये है कि इट मस्ट बी नेगेटिव, जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन को हम एरर करेक्टिंग टर्म भी कहते हैं और ये हमें बताती है स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में। अब स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट बेसिकली ये है कि जब यानी किसी भी वक्त हमारी इकोनॉमी डिस इक्विलिब्रियम पोजिशन की तरफ मूव करती है, तो उसे कितना टाइम रिक्वायर होगा दोबारा इक्विलिब्रियम पोजिशन में आने के लिए, ये हमें स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट यानी के बताती है। अब हम एव्यूज की फाइल ओपन करते हैं। ये एव्यूज की फाइल मैंने ओपन की और अब मैंने पहले अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। ये मैंने पहले अपना डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस किया और मैंने अपने ऑथर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने किसी भी वेरिएबल पे रख के अपने कर्सर को राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक ये आ गया है, टेबल टाइप आ गया है। तो मैंने यहाँ पे मैंने ओपन एज इक्वेशन करूंगा, मैंने इंटर प्रेस किया और मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें मेरे वेरिएबल्स मतलब आ चुके हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्क्वेयर सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसको लिस्ट स्क्वेयर से ARDL में चेंज कर देंगे। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ए ऑटो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट मॉडल का। प्रेस ओके किया तो हमारे पास इस तरह का बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने जो हमारे लैग्स हैं उनको हमने सेम मतलब कि ऑटोमेटिक पे रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी और प्रेस ओके कर देंगे। मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आ रही है वो है बेसिकली हमारा सिलेक्टेड मॉडल जो कि 1100 है। हम अगेन व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक और हमें लॉन्ग रन के रिजल्ट लेने हैं, तो हम लॉन्ग रन एंड बाउंड टेस्ट में जाएंगे। ओके प्रेस किया। सबसे पहले हम नीचे आएंगे, ये एफ स्टैटिस्टिक को देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम देखें किसी भी लेवल के ऊपर, 10% लेवल पर देखें, 5% लेवल पर देखें, 2.5% लेवल पर देखें या फिर 1% पर देखें, तो जो एफ स्टैट की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है आई नोड से, जो कि 3.2 है, 3.67 है, 4.08 है, 4.66 है। तो मतलब कि किसी भी लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारे वेरिएबल के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है लॉन्ग रन के वो ये है, बेसिकली ऊपर ही शो हुए हैं ये रिजल्ट हमारे पास। अगर एफ स्टैट हमारे पास लेस देन आई नोड होती या फिर लाइक कर रही होती आई वन और आई नोड के दरमियान, तो हमारे लिए ये रिजल्ट मीनिंगलेस थे। लेकिन अब ये हमारे लिए रिजल्ट मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे। अब हमें शॉर्ट टर्म के रिजल्ट चाहिए, तो हम अगेन कोफिशिएंट में जाएंगे, क्यू में जाएंगे, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक को सिलेक्ट करेंगे
और लॉग इन बाउंड पेज के नीचे है एरर क्वेश्चन फॉर्म, फॉर्म प्रेस करेंगे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन के नाम से एक क्वेश्चन है जो कि लेस देन वन तो है और सिग्निफिकेंट भी है, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो हमारे लिए इसके रिजल्ट मीनिंगलेस हैं। शॉर्ट टर्म के रिजल्ट भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ना लॉन्ग टर्म के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ना शॉर्ट टर्म के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास यही वेरिएबल सेम रहे और हम दोबारा कोई क्राइटेरिया चेंज कर लें। मतलब AIC क्राइटेरिया है तो हम उसको चेंज कर लें स्क्वास में। यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया में हम आ जाएंगे, ऑप्शन में आएंगे तो डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे केक इनफो क्राइटेरिया से पहले हमने एस्टिमेट किया, अब हम स्क्वास क्राइटेरिया से एस्टिमेट करते हैं कि क्या पता हमारे रिजल्ट बेहतर आ जाए। अगेन हमारे पास सिलेक्टेड मॉडल सेम आया है, तो मतलब ये कि हमारे रिजल्ट में कोई बेहतरी नहीं आएगी। बस ऐसा होता है कि हमारे जो रिजल्ट होते हैं उनमें सिलेक्टेड मॉडल चेंज होने से हमारे जो वेरिएबल्स के रिजल्ट हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर हम देखें हमारे लॉन्ग रन के रिजल्ट वही सेम टू सेम चीज आएगी। व्यू में जाएंगे क्वेश्चन डायग्नोस्टिक में और लॉन्ग रन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन वही वैल्यू आई है एफ स्टैटिस्टिक, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग रिलेशनशिप, और अगेन ही हमारे कोफिशिएंट की वैल्यूज और टी स्टैटिस्टिक्स भी वही सेम आए हैं। मतलब कि कोई भी चेंजिंग नहीं आई क्राइटेरिया चेंज करने से। शॉर्ट टर्म के रिजल्ट देखते हैं तो वो भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज के ऊपर क्राइटेरिया चेंज। बहुत ऐसा होता है कि हमारे क्राइटेरिया अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि अगर हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं तो हम उस क्राइटेरिया को चूज कर लेते हैं। बाज दफा ये होता है कि हमें दोनों क्राइटेरिया सेम रिजल्ट दे रहे होते हैं, मतलब कि हमें जरूरत इस चीज की होती है कि हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करें या फिर अपने वेरिएबल्स के यूनिट को चेंज कर लें, तो तब हम अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं मजीद। आज के लिए बस इतना ही होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने का शुक्रिया।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असल। गाइस, आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूं वो है ग्राफ। हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं ई व्यूज को यूज करके, अपने वेरिएबल को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, इसे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इम्पोर्टेंट स्टेप्स और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को आप नोट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई मौजूद है। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। मैं ईव्यूज की वर्क फाइल ओपन की तो आपके सामने ये ओपन शो हो रही है। मैं फिलहाल चार वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, GDP, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो पहले मैं सिंगल ग्राफ बनाता हूँ सिंगल वेरिएबल के लिए। तो मैंने इन्फ्लेशन को डबल क्लिक करके ओपन किया। सामने व्यू की ऑप्शन नजर आ रही है आपको, आप उसे क्लिक करें। सामने ग्राफ की ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो ग्राफ की ऑप्शन के नाम से बनाया गया है, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सामने नजर आ रही है कि आपने लाइन चार्ट बनाना है, बार है, स्पाइक है, एरिया है, कोई सा भी चार्ट बनाना है आपने। जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है वो सारी फॉर्मेटिंग के लिए है। आप इसमें कलर, बैकग्राउंड, इसकी विड्थ, साइज, हर चीज आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बारी बारी ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहले फ्रेम में, साइज में आपको कलर, विड्थ, फ्रेम का जो सॉलिड कलर जो आपने चूज करना है वो, उसके बैकग्राउंड कलर, उसके अलावा इसके स्केलिंग के लिए भी आपको सारी ऑप्शन मौजूद हैं जो बाय डिफॉल्ट में की हुई हैं। वो मैं भी वही प्रेफर करूँगा कि आप उसे यूज करें। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो ग्राफ एलिमेंट्स की है, जहाँ पे आप जो लाइन फर्स्ट करें, आपने लाइन चार्ट बनाया है तो उसकी लाइन पे जो कलर आपने लगाना है, चूज करना है, मैंने ब्लू चूज किया। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, रेड है, येलो है, कोई भी चूज कर सकते हैं आप। उसकी विड्थ, जो विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, सिंबल्स आप लाइन की जगह यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी ऑप्शन में मौजूद है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो फॉन्ट साइज की है। कोई फॉन्ट में आप जो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। और उन्होंने कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ग्राफ के नमूने दिखा दिए हैं आपने कि आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। वो उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। तो गाइस, हम बेसिक ग्राफ बनाते कैसे हैं पहले हम वो देखते हैं। जो राइट साइड में जो ऑप्शन है ग्राफ, ये ग्राफ डाटा की पहले जो ऑप्शन है, इसमें रॉ डाटा हम यूज करेंगे। इसमें आप मीन भी, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, सम ऑफ स्क्वायर, सारी ऑप्शंस आप सिंगल वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल रॉ डाटा इस्तेमाल यूज करूंगा। ओरिएंटेशन में आप नॉर्मल और रोटेशन में भी आप ग्राफ को शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस बॉर्डर है, यानी कि राइट लेफ्ट साइड पे ग्राफ के, आप कोई भी और ग्राफ को भी दिखा सकते हैं, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, जो ज्यादातर यूज होते हैं। मैं फिलहाल नोट करूंगा क्योंकि मैं सिंपल ग्राफ आपको बनाना सिखाना है। पहले मैं लाइन चार्ट यूज करूंगा। तो मैंने ओके किया, आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ शो हो रहा है। ये ग्राफ, इसमें इस वेरिएबल में जो मैं इन्फ्लेशन यूज किया है, इसमें ट्रेंड बहुत है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इसलिए इसमें ट्रेंड बहुत होते हैं। और भी मजीद वेरिएबल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स होते हैं, इनमें ट्रेंड बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे अप डाउन, ज़िगज़ैग, इस फॉर्म में आपको नजर आएंगी। आप इसको सेव भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। सामने ग्राफ, सेव ग्राफ टू डेस्कटॉप भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रीनेम चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन है, इसमें आप कलर, इसके जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जैसे आपको दिल करे आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ही रखता हूँ कि ये मैंने रिसर्च के लिए यूज करना है। तो अगर आपने इसी
ग्राफ में चेंजिंग करनी है, फर्ज करें आपने ये लाइन का कलर चेंज करना है, आपने बॉर्डर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो हम वापस यहाँ पे सामने ऑप्शन के बटन में जाएंगे, वापस हम उसी डायलॉग बॉक्स में आ गए हैं जो पहले हमने ओपन किया था। हम फ्रेम साइज में गए, यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, हम चेंज करते हैं रेड चेंज कर लेते हैं, हम ओके किया हमने इससे। उसके बाद हम बैकग्राउंड में भी हम ब्लू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे हम येलो ले लें, चाहे उसके विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं यही रखूंगा। उसके अलावा आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई किया तो देखिए आपके सामने ये आप चेंज कर सकते हैं इजीली कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गाइस आई होप सबको समझ आई होगी कैसे ग्राफ बनाने हैं। ये तो था सिंगल का, हम अब मल्टीपल ग्राफ के बारे में देखते हैं। इसे मैंने क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर फोर वेरिएबल यूज करता हूँ, फर्स्ट का इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, चेंज इसे मैं सम कर रहा हूँ, इसे मैंने ग्रुप एस ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं स्टेप्स में नोट कर लीजिए। मैंने व्यू पर क्लिक किया, सामने ग्राफ की ऑप्शन आ रही है, इसे मैंने क्लिक किया तो ऑप्शंस वो बढ़ा दी गई हैं, तो आप सामने देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम है, वो चाहे सिंगल वेरिएबल हो चाहे आपका मल्टीपल वेरिएबल्स हो, आपने फॉर्मेटिंग सेम करनी है, जिसमें सिर्फ एक डाटा उन्होंने बाकी रॉ डाटा वही थी, बाकी सब में जो पहले में थी बस उन्होंने एक ऑप्शन का इजाफा किया कि आपने मल्टीपल बनाना है कि सिंगल को शो करना है। हम मल्टीपल बना के तो सिंगल सिंगल वेरिएबल को शो कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन को सेट करें। उसके अलावा अगर हम बार चार्ट बनाते हैं तो हम रॉ डाटा यूज करके, नॉर्मल यूज करके मल्टीपल ग्राफ को अप्लाई करते हैं, तो ये देखें हम बार चार्ट सिंगल इन्फ्लेशन का, ये पॉपुलेशन का, ये एक्सचेंज रेट का, ये जीडीपी का सिंगल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेरी 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 इजी तरीके से हम कर सकते हैं। इसे हम फर्दर चेंज करना हो आपने इसके ऑप्शन को, फॉर्मेटिंग को, साइज को, इसके फॉन्ट साइज को, स्केलिंग को, कलर को आप चेंज कर सकते हैं, इनको आप सिंगल वेरिएबल चारों वेरिएबल्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मजीद ऑप्शन है, उसके अलावा हिस्टोग्राम, ये भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं साइड पर, एक्सिस बॉर्डर साइड पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लाइन चार्ट के अलावा बार चार्ट है, स्पाइक है, एरिया चार्ट है, मिक्सड है, डॉट प्लॉट है, बहुत सारे आप चार्ट्स के जो फॉर्म होते हैं वो आप दिखा सकते हैं। अब इन्हें सेव कैसे करना है, आपको ये डन हो गया, आपने ये चूज कर लिया कि ये मैंने दिखाना है, तो आपने राइट क्लिक किया ग्राफ के ऊपर, सामने ग्राफ सेव ग्राफ टू डेस्कटॉप की ऑप्शन आ रही है, इसे आपने क्लिक करना है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस जगह पे, किस ड्राइव में सेव करना है, फाइल का नाम क्या रखना है आपने, ठीक है। कलर यूज कलर बाय डिफॉल्ट उन्होंने टिक मार्क किया, आपसे खत्म कर सकते हैं। मैंने फाइल जो नाम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ ग्राफ के नाम से, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको जो किया है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पे आए, तो मैं सामने डेस्कटॉप ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ग्राफ से मेरा ये एक है जो बाद में एरर देगा कि आपका जो नाम है वो सेम है, तो मैं ग्राफ टू के नाम से सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने ओके किया, इसको मिनिमाइज किया, इसको स्क्रीन को मिनिमाइज किया, तो आप सामने देखिए ये ग्राफ टू मेरा बना हुआ सामने शो हो रहा है। ये ओपन से निकलूँ तो ये वही ग्राफ है जो हमने वहाँ बनाया था ई व्यूज पर, जो कि मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। पेंट में आपके पेंट एप्लीकेशन होती है, जाके आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं। ये पेंट की ऑप्शन पेंट की एप्लीकेशन में बेसिकली ये ओपन हो रहा है, इसे आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, आप रेस कर सकते हैं, कलरिंग बहुत सारे आप साथ अटैच कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कुछ भी एडिट उसमें कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप सो गाइस आपको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अपने वेरिएबल कर सकते हैं वेरी इजी वे में, और आप
अपने सिंगल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ को रिसर्च अपने जो पेपर आपने बनाना है जो थीसिस आपने बनाना है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप डॉक्यूमेंट हो चाहे वर्ड पे आप कुछ भी बना रहे हो उसके आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईव्यूज की मदद से कर सकते हैं। सो गाइज ये था आज का वीडियो, होप सो गाइज आपको समझ आई हो और आपने मेरे जो बात को अंडरस्टैंड किया हो। सो गाइज लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन। सो गाइज आज का मेरा वीडियो कॉपी पेस्ट के मुतालिक है कि हम कैसे अपने ई व्यूज पर जो फाइंडिंग्स की है, जो हमने अपने रिजल्ट्स को एस्टिमेट किया है, उन्हें हम ई व्यूज टू एमएस वर्ड कॉपी पेस्ट बआसानी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी मैं ईव्यूज के वर्क फॉर्म ओपन करता हूँ जहां मैंने दो वेरिएबल्स सेलेक्ट किए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो वेरिएबल्स को लेके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के रिजल्ट्स ईव्यूज टू एमएस वर्ड कॉपी पेस्ट करूं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, ओपन एज ग्रुप किया, व्यू पर क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कॉमन सैंपल पर क्लिक करके मैंने रिजल्ट निकाल दिए। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे फाइनल रिजल्ट है और इन्हें मैं कॉपी करूं एमएस वर्ड पर। तो मैंने सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, तो सामने ये ऑप्शन दे रहा है कुछ कि आपने किस फॉर्मेट में आपको ये सारे रिजल्ट्स चाहिए। टेक्स्ट में HTML टेस्ट आप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओपन कर दें। अब ये कॉपी हो चुके हैं, आपने वर्ड की फाइल ओपन की, आपने क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आप ये देखें आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एमएस वर्ड की फाइल पर सेव आसानी हो चुके हैं। अब जो इसका कोर मेथड है वो ये है कि आप कॉपी करने के लिए आप शिफ्ट के बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल सी से कॉपी नहीं करना तो आप माउस से राइट क्लिक करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं एडिट, आप किसी का भी रीनेम चेंज कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी वर्ड कोई भी आप स्पेलिंग है चेंज कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। आप शॉर्ट वर्डिंग कर सकते हैं, वर्डिंग पूरी तरह से, यानी कि अगर जैसे मैंने नेचुरल लॉ INF, इसका मतलब मुझे पता है कि मैंने इसका रखा हुआ नाम नेचुरल लॉ इन्फ्लेशन, आप इसे नाम को चेंज करके इन्फ्लेशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर जैसे आप चाहें कर सकते हैं। इसे आप बआसानी कॉपी पेस्ट आराम से वर्ड पर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन दो वेरिएबल्स को लेके एक ग्राफ बनाऊं और उन्हें भी कॉपी करूं और वर्ड पे जाके पेस्ट करूं। तो मैं सबसे पहले इन दोनों सेलेक्ट किया, ओपन एज ग्रुप किया, व्यू पर क्लिक किया और मैंने ग्राफ के ऑप्शन पर भी क्लिक किया। तो सबसे पहले मैं बार चार्ट बनाते हैं हम, उसके अलावा हम सिंगल चार्ट पे दोनों का रिजल्ट्स देखते हैं कि हम वो इन्फ्लेशन का भी और GDP का भी बार चार्ट पर देखते हैं। ओपन किया तो मेरे सामने ये बार चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है, मुझे आपको नजर आ रहा है। इसे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, वर्ड पर गया और इसे मैंने नीचे यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। देखिए आपके सामने ये ग्राफ भी आसानी से मैंने पेस्ट कर लिया है अपने रिजल्ट्स के साथ, अपने ग्राफ का जो रिजल्ट है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं मजीद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल सी के बटन से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप मजीद एडिटिंग नाम में वर्डिंग में कर सकते हैं इजीली। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप सो गाइस आपको समझ आ गई हो कि मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया और कैसे मैंने फाइंडिंग्स की, कैसे इनको मैंने कॉपी पेस्ट किया वर्ड की फाइल पर।
तो गाइज आप अपने रिजल्ट्स भी इसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आप रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो आप फाइंडिंग्स करके आप अपने जो रिजल्ट्स हैं वो भी आसानी से कॉपी पेस्ट इस वीडियो के देखने के बाद आराम से कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ हो, चाहे बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, आप आराम से वो भी कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं। आप कीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके, कंट्रोल सी से कॉपी करके, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दें। इसके अलावा आप शिफ्ट की से प्रेस करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे रिजल्ट को अपने। इसके अलावा आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। सो गाइस आपको समझ आ गई हो कि मैं क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आप एक न्यू व्यूवर हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.